तो भाई लोग एक और मैच में खेलने जा रहा हूँ, यूए वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच जो होने वाली है मैच नंबर 3, उसमें मैं ज्वाइन करूँगा कॉन्टेस्ट। तो मेरा टीम जो है किस प्रकार रहेगा और किस बेसिस पे मैंने टीम बनाया है, अगेन मैं आप लोग को बताऊँगा। तो वेलकम आप लोगों का एक और मैच रिव्यू, जिसमें मैं आपको बताऊँगा एक ड्रीम टीम, होने वाली पॉसिबिलिटी ड्रीम टीम। तो चलिए दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यह मैच जो है तीसरा वनडे मुकाबला होगा यूए वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच, कल सुबह 9 बजे, सॉरी 9 जून को 6 बजे 6 PM शाम को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम रहेगा। वेन्यू किस प्रकार रहेगा इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ये वेन्यू जो है यहाँ पे 50-48 का है, मतलब बैटिंग फर्स्ट जो करती है उसको 50% भी जीतने का चांस रहता है, और बैटिंग सेकंड जो करती है उसको 48% जीतने का चांस रहता है। तो यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग 231 है, एवरेज सेकंड इनिंग 196, मतलब फर्स्ट बैटिंग को जीतने मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है जीतने का। तो यहाँ पे हाईएस्ट टोटल 367 विकेट, मतलब रन भी बने हैं यहाँ पे। पिच जो पिच अलग अलग पिच रहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे मैच जो है होती है। एंड सेकंड यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लोएस्ट टोटल जो है 58-10 विकेट, ये भी देख के चलना है। ठीक, तो यहाँ पे 285 दो विकेट के नुकसान पे, ये यहाँ पे हाईएस्ट चेज हुआ है 131 10 विकेट के नुकसान, लोएस्ट डिफेंड भी हुआ है, मतलब हर प्रकार से यहाँ पे मैचेस जो है हुई है। पता नहीं किस मैच वेन्यू पे होने वाली है, तो वेन्यू के हिसाब से आप लोग किस प्रकार टीम बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ बात कर लेंगे पेसर्स को, यहाँ पे ज़्यादा मदद मिलती है। पेसर्स मीन्स अगर 5 बॉलर के साथ जाएंगे तो 5 बॉलर में से हमारा 3 बॉलर पेसर्स रहेगा, 2 बॉलर स्पिनर रहेगा। यहाँ पे जो मैचेस हुए हैं उनके दोनों के बीच में रिसेंटली 2 मैच हुए हैं, उनमें से मैं बात करूँगा एक के बारे में जो सेकंड ODI हुआ है, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, और कौन कौन मैच कौन जीता है इसके बारे में अभी सब बात कर लेते हैं। तो 78 रन से पिछला मैच जो है वेस्ट इंडीज़ जीता हुआ है, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे लगभग लगभग नहीं सभी मैच जो है वेस्ट इंडीज़ जीता ही है, तीनों मैच यहाँ पे देख सकते हो, 3 मैच के यहाँ पे समरी दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उन्हें हेड टू हेड लास्ट 10 मैच में 4 मैच हुआ है, चारों मैच में वेस्ट इंडीज ने ही जीती हुई है। तो हमारा जो टीम रहेगा वो वेस्ट इंडीज ओरिएंटेड रहेगा। ठीक, तो चलिए देख लेंगे जो लास्ट सेकंड मतलब सेकंड जो ODI मैच हुआ है उन दोनों के बीच में, उसमें किस प्रकार से परफॉर्मेंस थी। तो उसके पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि मोस्ट रन गेटर कौन है अभी फिलहाल, जो करेंट इनिंग चल रहा है पिछले 2 इनिंग जो हुआ है उनके बीच, तो कौन हाईएस्ट विकेट टेकर, कौन ज़्यादा रन बनाया है, यहाँ पे हम देख लेंगे। फर्स्ट है ब्रैंडन किंग, ब्रैंडन किंग 2 इनिंग में 176 रन बनाया है, प्रबल दावेदार रहेगा कैप्टन वाइस कैप्टन के। यहाँ पे अली नशीर 115 रन 2 इनिंग में, जॉसन चाल 87 रन 2 इनिंग में, रितेजा अरविंद 76 रन 2 इनिंग, और समर्स ब्रुक इन्होंने भी दो इनिंग में 64 रन। बात कर लेते हैं हाईएस्ट विकेट टेकर के बारे में, हाईएस्ट विकेट टेकर यहाँ पे सबसे पहले में जहूर खान 4 विकेट 2 इनिंग में, आयन अफजल खान 3 विकेट 2 इनिंग में, यानी कैरिश 2 इनिंग में 3 विकेट, ये भी है ओडन स्मिथ 3 विकेट 2 इनिंग, रोशन चेस 3 विकेट 2 इनिंग। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे विकेट मिले हुए हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर टॉप 5 जो है कुछ बार, मतलब आपको टॉप 10 प्लेयर यहाँ से पिक कर लेना है। ठीक है, ये टॉप 10 प्लेयर है, बच के हमारा 11th प्लेयर उसे मैं बताऊंगा आप लोगों को सबसे अभी। तो देख यहाँ पे उस मैच में क्या हुआ था, जो सेकंड प्रीवियस मैच हुआ था उसमें हुआ है ब्रैंडन किंग 70 बॉलों पे 64 रन, जॉनसन चार्ल्स 27 बॉल 63 रन, जहूर खान इसी मैच में जो है 3 विकेट लिया है 40 रन देके, एन अफजल खान 2
पैंतालीस रन देके 2 विकेट ये भी लिए हैं, और अली नासिर 53 में 57 रन बनाए हैं, और बशीर अहमद 84 बॉल 49 रन। ठीक, तो यहाँ पे यूएई का बैटिंग थोड़ा से कमज़ोर माना जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग टीम है, मतलब नए उनमें उतना अनुभवी खिलाड़ी नहीं, इस वजह से। फिर भी हम यहाँ से लेके चलेंगे कुछ अच्छे प्लेयर्स, यहाँ से भी हम पिक करेंगे। केविन हेज 2 विकेट ये भी लिए थे वेस्ट इंडीज की ओर से, 46 रन देगी, और रॉस्टन चेस ठीक है ये भी 2 विकेट लिए हुए हैं। मतलब एक कुछ इस प्रकार जो मैच थी वो घटी थी। तो फाइनली हम बात कर लेंगे कि वो जो फाइनल हमारा टीम होगा उस टीम में कौन होंगे कौन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम विकेट कीपिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन से हम बात करेंगे तो जॉनसन चहल सबसे पहले नंबर पे आएंगे, दूसरे नंबर पे आएंगे प्रीतेजे अरविंद। ठीक है, ये दोनों रहेंगे हमारे विकेट कीपिंग सेक्शन में, मैं दोनों को लेके चलूँगा। और बात करेंगे हम बैटिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में ब्रैंडन किंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक, सबसे अच्छा प्लेयर यहाँ पे ब्रैंडन मेरे को लग रहा है वेस्ट इंडीज की ओर से। उसके बाद है यहाँ पे शमरेस ब्रुक, ठीक ये भी इसको मैं लेके चलूँगा। आसिफ खान यूएई टीम से एक अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं इस मैच के लिए। बात कर लेंगे हम ऑलराउंडर से, रोस्टन चेज अभी रोस्टन चेज को लेने का एक और रीज़न है, क्योंकि ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर में हम लोग अगर बैटिंग में ना दे तो बॉलिंग चलने का चांस रहता है, इसलिए हम रोस्टन चेज को लेकर चलेंगे। अली नसीर अभी प्रीवियस मैच इनका अच्छा गया है तो हम इनको लेकर चलेंगे। और वहीं यूनाइटेड अरब यूनाइटेड से बासिल हमीद को लेकर चलते हैं। ठीक, यहाँ पे इनका भी रिकॉर्ड सही है तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं इनको भी, बासिल अहमद। उसके बाद हम बॉलर सेक्शन में आएंगे, बॉलर सेक्शन में आदित्य शेट्टी ये फर्स्ट हमारे पिक रहेगा, सेकंड रहेगा संचित शर्मा, और इसके बाद डोमिनिक डार्क्स, केविन सिंकलर। तब इसमें से हमको टॉप 10 मैंने बताया था, वहाँ से आप टॉप 10 लेके चलेंगे, इस उसमें से मैंने शामिल कर किया हुआ है जो टॉप 10 है उनको, टॉप 10 में से मैंने एक स्पेशल पिक बताऊंगा कौन है। तो चलिए हमारा टीम जो फाइनली क्या बन रहा है ये मैं देखता हूँ। तो दोस्तों फाइनली जो हमारा टीम उनसे बना है वो टीम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और बाद में कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में हम बात करेंगे इसमें। और तो यहाँ पे मैं जॉनसन चार्ल्स को एज अ वाइस कैप्टन लेके चलूँगा। ठीक है, हमारा टीम ये रहेगा फाइनल टीम, और जॉनसन चार्ल्स को मैं वाइस कैप्टन और कैप्टन अली नसीर के साथ जाना चाहूँगा। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, अगर आप सेफ टीम खेलना चाह रहे हो तो आप ब्रैंडन किंग के साथ जा सकते हो। कैप्टन मैं 3 देता हूँ बस, कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर ब्रैंडन किंग फर्स्ट, अली नसीर सेकंड, एंड जॉनसन चार थर्ड। सीवीसी के एकदम प्रबल दावेदार जिस पे आप बना के अपना टीम खेल सकते हो किसी भी फैंटेसी लीग में। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो, जिस पे आप सभी को कैसा लगा ये इसका ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप फाइनल टीम अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे गिव अवे चलता रहता है, इस वजह से आप लोग गिव अवे में भी भाग ले सकते हैं, गिव अवे मिल सकता है आपको भी क्या अच्छा, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेज यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक बेनिफिट और है कि वहाँ पर आपको हर जैसे मैचेस जो मैं खेलूँगा उसका टीम आपको पूरी एनालिसिस के साथ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप इन